नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकुंद कुलकर्णी और मेरे YouTube चैनल नॉलेज हब में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अभी सबसे पहले हम देखेंगे टेंडर्स क्या होता है या टेंडरिंग क्या होता है। टेंडरिंग क्या है? एक इनविटेशन ऑफ बिड, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट शुरू होने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से या फिर कोई प्राइवेट फाइनेंसर रहता है उसकी तरफ से एक इन्विटेशन रहता है बिड्स का, तो उसको इन्विटेशन ऑफ बिड्स मानते हैं कि वो एक सर्टन टाइम में वो कॉन्ट्रैक्टर्स को या फिर जो भी बिडर्स अलग अलग रहेंगे उनको उस टाइम में वो बिड करना पड़ता है और सबमिट करना पड़ता है अपना जो भी कॉस्ट है या अमाउंट है जैसे भी दिया हुआ है टेंडर डॉक्यूमेंट फिल करके उनको सबमिट करना रहता है। इसके लिए बहुत सारी मतलब कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती हैं, टेक्निकल हो फाइनेंशियल हो, ये बहुत सारा डिटेल्स बहुत रहता है उसमें। हम धीरे धीरे वो सब बात भी देखेंगे। अभी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है? कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है? एक लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है। मेनली लीगली बाइंडिंग मतलब कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट में दोनों में एक लीगली बाइंडिंग था कि वो जो डिफाइन करता है कि किस दोनों का पार्टीज़ का ड्यूटीज़ क्या है, दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, और ये पूरा जो रहता है वो एक एग्रीमेंट लॉ बाइंडिंग होने की वजह से पूरा एकदम डिफाइंड रहता है, लीगली रहता है, तो उसके हिसाब से पूरा काम होता है। अगर इसमें कोई सफर या फिर किसी को नुकसान कुछ हुआ तो वो डॉक्यूमेंट के हिसाब से वो लीगली कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसको उसका बेनिफिट या फिर उसका नुकसान भरपाई मिल सकता है, तो उसके हिसाब से ये कॉन्ट्रैक्ट रहता है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स में हम लोग देख सकते हैं कि अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे साइन किए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर कंसर्न क्लाइंट्स उसमें दोनों में जो भी कंडीशंस फाइनल हुई रहती है उसके हिसाब से उनको काम करना रहता है, उनका सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज पूरा क्लैरिफाई किया रहता है और दोनों का उस पर साइन रहता है, और एज ए पूरा लीगली होने की वजह से उसका बहुत ही अहम महत्व रहता है। तो अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ टेंडर्स, कौन कौन से टाइप्स के टेंडर्स है ये हम देखेंगे। सबसे पहले है आइटम रेट टेंडर, उसके बाद है परसेंटेज रेट टेंडर, उसके बाद लमसम टेंडर, उसके बाद ईपीसी टेंडर, ईपीसी मतलब इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, उसके बाद है कॉस्ट प्लस टेंडर, उसके बाद रिवर्स ऑक्शन टेंडर, फिर बीओटी मतलब बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र, और बीओओटी मतलब बिल्ड ऑपरेट ओन एंड ट्रांसफ़र, और उसके बाद है पीपीपी मॉडल मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, और उसके बाद अभी जो आजकल हाईवे सेक्टर में चल रहे हो HAM मतलब हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल। अभी हम वन बाय वन सब देखेंगे। अभी आइटम रेट टेंडर, आइटम रेट टेंडर में कैसा है? पूरा मतलब क्लाइंट की तरफ से कॉन्ट्रैक्टर को पूरा BOQ दिया रहता है, क्वांटिटीज मेंशन किए रहते हैं, यूनिट्स मेंशन किया रहता है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर को रेट्स फिलअप करना है, रेट्स फिलअप करके टोटल अमाउंट निकालना है और ये अमाउंट निकाल करके उसको सबमिट करना रहता है। और पुराने इसमें कैसा रहता था, ये आइटम रेट टेंडर में हर कॉन्ट्रैक्टर को ईच रेट वर्ड्स में और फिगर्स में लिखना पड़ता था और उसके हिसाब से पूरा टेंडर डॉक्यूमेंट लिख करके हर पेज पे साइन करके सबमिट करना पड़ता था। अभी ई टेंडरिंग होने की वजह से या फिर ऑनलाइन टेंडरिंग होने की वजह से सब ऑनलाइन ही फिल करना पड़ता है। उसके बाद है परसेंटेज रेट टेंडर, परसेंटेज रेट टेंडर में कैसा है, पूरा BOQ दिया हुआ रहता है, मतलब आइटम्स आइटम डिस्क्रिप्शन यूनिट रेट अमाउंट सब कॉन्ट्रैक्टर को दिया रहता है, कॉन्ट्रैक्टर को वो रेट के हिसाब से अपने रेट कोट करने हैं, आइदर वो प्लस में रहेगा या फिर अबव रहेगा और माइनस और बिलो रहेगा, तो उस हिसाब से पूरा BOQ के रेट्स कोट करके टोटल अमाउंट जो रहता है टोटल BOQ अमाउंट के हिसाब से प्लस और माइनस मतलब अबव और बिलो परसेंटेज में रहता है ये, उस हिसाब से वो कोट करना रहता है। उसके बाद है लमसम टेंडर, लमसम टेंडर में क्या है, एक सिंगल प्राइस देना रहता है कॉन्ट्रैक्टर को, कॉन्ट्रैक्टर को कैसे है जो भी क्लाइंट है वो पूरा ड्राइंग्स वगैरह देता है, सॉइल डाटा वगैरह सब जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन सब देते हैं, उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर को वो पूरा BOQ प्रिपेयर करना है, BOQ प्रिपेयर करके उसके रेट्स वगैरह निकालना है, और रेट्स निकाल करके पूरा एक अपना टोटल अमाउंट निकालना है, टोटल मतलब प्रोजेक्ट का कॉस्ट निकालना है कि कितना कॉस्ट रहेगा क्या रहेगा, और वो फाइनल अमाउंट कोट करना है क्लाइंट को कि इस फिगर में या फिर ये कोट में या ये अमाउंट में हम लोग काम कर सकते हैं, तो उस हिसाब से ये लमसम टेंडर होता है।
इसके बाद हम देखेंगे ईपीसी टेंडर। अभी ईपीसी टेंडर में कैसा है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, ये तीनों में मतलब डिज़ाइन से लेके कमीशनिंग तक, मतलब डिज़ाइनिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन उसके बाद कमीशनिंग या फिर हैंड ओवर टू द एंड यूज़र, ये पूरा करना पड़ता है। मतलब टोटल इसमें स्कोप कॉन्ट्रैक्टर के अंडर ही रहता है। ये मैक्सिमम गवर्नमेंट सेक्टर में जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर या बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है वहाँ ये ईपीसी बोर्ड पे काम चलता है। और इसके बाद अभी अपना है कॉस्ट प्लस टेंडर। अभी कॉस्ट प्लस टेंडर मतलब बहुत मतलब विदेश में फॉरेन कंट्री में ज़्यादा देखा जाता है, इंडिया में अपना भारत में भी कई कई कॉन्ट्रैक्टर से या फिर कई कई क्लाइंट से अप्लाई करते हैं इसको, मतलब इसको यूज़ करते हैं। इसमें कैसा है, कॉन्ट्रैक्टर को एक सर्टन अमाउंट मतलब जो भी टोटल एक कॉस्ट देनी पड़ती है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, मतलब टोटल मटेरियल कितना लगेगा, टोटल उसका एक्सपेंसेस कितना आएगा, उसके ऊपर एक अपना मार्जिन जो फिर प्रॉफिट है वो ऐड करके उसको एक फिगर देनी रहती है, कॉस्ट प्लस परसेंटेज। इसमें मतलब कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स प्लस परसेंटेज ऑफ टोटल मटेरियल्स यूज और इसमें एडिशनल प्रॉफिट या फिर मार्जिन जो भी रहते वो ऐड करके एक सर्टन अमाउंट देनी रहती है, उसको हम कॉस्ट प्लस बोलते हैं। इसके बाद है रिवर्स ऑप्शन टेंडर। रिवर्स ऑप्शन टेंडर ये मेनली कैसे है, कुछ कुछ क्लाइंट है जो मतलब बहुत ही कम क्लाइंट है वो यूज़ करते हैं। इसमें जो क्लाइंट रहता है अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर से ऑफर लेता है वो एट अ टाइम, मतलब अलग अलग ऑप्शन टाइप लेता है एट अ टाइम, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर उसको अपने ऑफर देते हैं और ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है, तो कौन से कॉन्ट्रैक्टर का कितना फिगर है वो बाकी किसी को पता नहीं चलता, तो इस हिसाब से ये रिवर्स ऑप्शन रहता है और ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियलिटी भी रहता है। और जब तक लास्ट में टेंडर आउट नहीं होता या फिर रिजल्ट ओपन क्लाइंट की तरफ से डिक्लेयर नहीं होता तो तब तक ये इसका पता नहीं चलता, मतलब कि किसका कौन से कॉन्ट्रैक्टर का अमाउंट कितना है क्या है, ये इसलिए रिवर्स ऑप्शन बोलते हैं। मतलब जो सेलर है वो एक रहता है और बायर्स बहुत सारे रहते हैं, वो कॉम्पिटिशन के लिए अपने अमाउंट या बहुत डाउन करते जाते हैं और लास्ट में जो भी क्लाइंट है वो डिक्लेयर करता है कि किसका अमाउंट लो है और किसको कॉन्ट्रैक्ट या फिर काम मिल गया। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशन भी है और इसमें एक ऐसा डिस्प्यूटेबल भी हो सकता है, बट डिपेंड अपॉन क्लाइंट, क्लाइंट के ऊपर है, आपको क्लाइंट के ऊपर ही विश्वास रखना है और उसके हिसाब से ये आपको अगर एग्री है तभी आप रिवर्स ऑप्शन में जाना पड़ता है। अब इसके बाद है बी ओ टी मतलब बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफ़र, और बी ओ टी मतलब बिल्ट ऑपरेट ओन एंड ट्रांसफ़र। ये मेनली हाईवे प्रोजेक्ट्स नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता था पहले, मतलब पहले आज से पहले मतलब 10 साल पहले या फिर 5 साल पहले जो भी रोड्स बने हैं वो रोड्स कॉन्ट्रैक्टर गवर्नमेंट की तरफ से कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट मिलता था, वो कॉन्ट्रैक्टर रोड बनाता था, प्रोजेक्ट बनाता था और उसके बाद में टोल वगैरह लगा करके एक सर्टन पीरियड के लिए टोल के थ्रू जो रेवेन्यू जनरेशन होता था उसके थ्रू उसका पेमेंट होता था, तो उसमें सब कंडीशन फाइनल रहता था कितना रिकवरी होगा, वो दोनों का एग्रीमेंट रहता था गवर्नमेंट का और कॉन्ट्रैक्टर का। तो अभी उसके हिसाब से ये बी ओ टी और बी ओ टी टाइप का टेंडर्स रहते हैं। तो दोस्तों एक बात बोलनी थी कि मैंने एक CEIIT के लिए एक वीडियो कोर्स किया है क्वांटिटी सर्वेइंग का, इसमें बेसिक्स और कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्वांटिटी सर्वेइंग है, जैसे कि आइटम डिस्क्रिप्शन, यूनिट कन्वर्जन, बाद में रेट एनालिसिस, थंब रूल्स, ये अलग अलग टाइप के क्वांटिटी सर्वेइंग के सब्जेक्ट्स कवर किए हैं और ये एक परचेज कोर्स है और इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, अगर आप किसी को इंटरेस्ट है तो आप वो लिंक में जा करके इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं और देख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे PPP मॉडल, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। तो इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कैसा रहता है, गवर्नमेंट अदर स्टेटरी जो भी रहता है और प्लस प्राइवेट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन में ये प्रोजेक्ट्स रहते हैं और ये दोनों का इन्वेस्टमेंट करके ये प्रोजेक्ट रहता है। तो PPP इसको हम लोग कंसेशन का ये भी बोलता है, मतलब कंसेशन पीरियड में कंसेशन एग्रीमेंट भी अंडर ही आता है। इसमें अलग अलग जो इन्वेस्टमेंट रहता है वो बिजनेसमैन या फिर जो भी रहता है उसको भी करना पड़ता है और गवर्नमेंट को भी करना पड़ता है। इसके हिसाब से ये मेनली कैसा रहता है, मल्टी स्टेक होल्डर गवर्नेंस इसमें मेन टारगेट रहता है और ये मैक्सिमम देशों में भी ये फॉलो किया जाता है।
इसमें स्कूल्स, बिल्डिंग्स, अलग अलग टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ये सब वाटर सीवरेज प्रोजेक्ट्स, ये सब पीपीपी के अंडर में आ जाते हैं। इसके बाद है एचएएम मॉडल, मतलब हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल मतलब ये अलग टाइप का एक गवर्नमेंट का नया सिस्टम है। इसमें कैसा है, सर्टन अमाउंट गवर्नमेंट एक कुछ पीरियड के लिए प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस करते हैं, और उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्टर्स जो रहते हैं वो बाकी अमाउंट के लिए अपना रिसोर्सेस से या फिर अलग इसके हिसाब से उनके जो भी फंडिंग सोर्स है उनके अरेंज करके वो प्रोजेक्ट करते हैं, और ये लॉन्ग रन के लिए रहता है। तो हाइब्रिड एनुअटी मोड में कैसा है, गवर्नमेंट में वो इसके लिए रिवाइव किया, क्योंकि वो पीपीपी में बहुत सारी तकलीफ आने लगी थी, बहुत सारे फाइनेंशियल इशू कॉन्ट्रैक्टर्स को आने लगे थे, वो बैंकों का एनपीए भी बढ़ रहा था, इसलिए पीपीपी एन्युटी निकाल के गवर्नमेंट में एचएएम लाया है। एचएएम में वैसे टोल कलेक्शन वगैरह नहीं रहता, मेनली प्राइवेट पार्टनरशिप रहती है गवर्नमेंट की। इसमें कैसा, अभी क्लियरली 40% जो अमाउंट रहता है, 40% अमाउंट गवर्नमेंट की तरफ से कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है वो प्रोजेक्ट के लिए 5 साल के लिए, और उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्टर का या फिर डेवलपर का जो परफॉर्मेंस है, उसके असेट्स जो है जो क्रिएट होते हैं उसके हिसाब से अलग बाकी का फंड वो अरेंज होता है, या कॉन्ट्रैक्टर स्टेक होल्डर से, इक्विटी से, अलग अलग फॉर्म से वो कॉन्ट्रैक्टर वो बाकी फंड का अरेंजमेंट करता है। तो इस हिसाब से ये एचएएम हाइब्रिड एन्युइटी मोड अभी इंडिया में आजकल ये हाइब्रिड एन्युइटी मोड चल रहा है, पीपीपी को रिप्लेस करके अभी इसका ज़्यादा यूज़ हो रहा है। मेनली 40% पेमेंट गवर्नमेंट देता है फिक्स अमाउंट फॉर इक्वल 5 ईयर्स, इक्वल इंस्टॉलमेंट, और इसके बाद रिमेनिंग 60% वेरिएबल एन्युइटी में जो देते हो कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट के लिए, अपन वो कैसा असेट्स कितना है क्या है उसके ऊपर डिपेंड है। तो गवर्नमेंट 40% ये देता है, इसलिए जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स है, डेवलपर्स है, उनका भी प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ने लगा है। इसलिए ये प्रोजेक्ट जो एनएच के फाइनेंस के लिए हैमर होते थे या फिर रुक जाते थे, स्टॉप होते थे, वो नहीं रुकते, अभी प्रोजेक्ट कंटिन्यू शुरू होते हैं, इसलिए ये मॉडल थोड़ा अभी बढ़िया चल रहा है। और इसका रेवेन्यू कलेक्शन का जिम्मेदारी एनएचएआई का भी होता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो चैनल देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए मेरे चैनल और मेरे वीडियोज़ देखते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।